हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको ये शेयर करने वाला हूँ कि हिंदी में RO ARO 2023 के प्रीलिम्स में 55 प्लस नंबर कैसे लाए जा सकते हैं कम समय में। 6 महीना पढ़ के, 1 साल पढ़ के, 3 साल पढ़ के तो ले आएंगे 55 प्लस आप। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप डेली 4 घंटे 6 घंटे सिर्फ हिंदी को दे सकें, तो ये काम कैसे किया जा सकता है उसको लेकर के मैं आपको दो चीज़ें, दो सीक्रेट कह सकते हो, दो हैक कह सकते हो, वो बताऊँगा। दूसरी चीज़ कि ये पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगा अभी तक। आज के बाद भले ही लोग इसको कॉपी करें, नकल करें, तो फिर आपको बताएंगे, बिकॉज इस वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, 10-15 हज़ार 20 हज़ार व्यूज़ आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो एक्चुअल में काम करती है। सबूतों के साथ दिखा दूंगा, जब पेपर के साथ दिखाऊंगा तो विद प्रूफ दिखाऊंगा कि देखो ये चीज़ कैसे काम करती है। तो ऑब्वियसली बात है आप लोग पसंद करोगे, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। अब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, और अगर हो सके तो नोट डाउन कर लेना, अगर आप गंभीर होगे तो नोट डाउन भी कर लोगे। देखो एक बात समझो, RO ARO का जो GS का पेपर है वो टफ कंसीडर किया जाता है। उसकी जो GS है, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि UPPCS प्रीलिम्स जो होता है उसके कंपैरिजन में इसका इवन पेपर टफ होता है GS का। वो इसलिए क्योंकि इसकी जो हिंदी का पेपर है, जो हिंदी आती है वो सरल आती है, या आप कह सकते हो कि हिंदी को तैयार करना सरल है। जिसको समझ में आ गया कि एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं, सही तरीका पता लग गया, उसके लिए हिंदी बहुत सरल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए जो RO ARO GS का पेपर होता है वो कंपेरेटिवली UPPCS प्रीलिम्स के थोड़ा सा ट्रिकी होता है। टफ नहीं होता है लेकिन ट्रिकी होता है, अगर आप उसको समझ गए। जैसे मैंने कुछ कुछ वीडियोस अभी एनालिसिस वाले बनाए, तो उसमें मैंने आपको दिखाया कि देखो डर आपके दिमाग में क्रिएट कर दिया गया, बट एक्चुअल में डर नहीं है, लेकिन आपको सही तरीका अगर मालूम है तो आप उसको ट्रेस कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो वो तो एक बात हो गई। अब हिंदी वो जो सरल है, लेकिन वो जो तरीका मैंने आपसे अभी शेयर किया है कि वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए, तो वो तरीका क्या है, तो उसको मैं आज आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा। अब एक बात को समझ लो, हिंदी सरल उसी के लिए है जिसको वो तरीका पता चल गया, वरना हिंदी सरल बिल्कुल भी नहीं है। आपको आप देखना, आप लोगों से बात करना, इवन यूट्यूब पर देख लो या कहीं पर भी आपकी जो मित्र मंडली है, ग्रुप है, उसमें आप देखो, हर किसी के 55 प्लस नहीं आ रहे हैं। 6-6 महीने से लोग पढ़ रहे हैं बट उनके 55 प्लस नहीं आ रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिना पढ़े जाओगे, या आपने अगर सही तरीका इंप्लीमेंट नहीं किया, एग्जीक्यूट नहीं किया, तो आपके 55 प्लस आ जाएंगे। सिर्फ किताबें लेने से, या अगर आपने सपोज कोई पेड कोर्स ले रखा है, तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं हमने उनका पेड कोर्स लिया है तो वो हमको करा देंगे, वो तो हिंदी के एक्सपर्ट हैं, या उनके से तो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो हिंदी में मेरे 55 प्लस श्योर हैं, और हिंदी ही बेसिकली मेन है एक तरीके से। क्योंकि अगर आपके उधर 70 नंबर आए, 75 नंबर आ गए, और इधर आपके अगर 58 नंबर आ गए, तो आप मतलब दिखा जाए तो क्लियर हो, मोटा मोटा ऑलमोस्ट आप क्लियर ही हो। और कहीं अगर आपके 58 नंबर उधर और इधर 80 नंबर आ गए, तो आप मतलब बड़े आराम से पास कर जाओगे प्रीलिम्स। तो हिंदी बहुत मेजर रोल प्ले करती है, बहुत वेटेज है इसका। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको समझो हिंदी में। आपने एक बात समझो, जैसे टॉपर्स हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट आपको टॉपर मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि केवल एक इंसान टॉप कर रहा है, मतलब एक इंसान का चयन हो रहा है RO ARO 2021 में, तो बहुत सारे आपको टॉपर्स मिलेंगे। अब वो सब की स्ट्रेटजी ऐसा तो नहीं है कि सेम है। हो सकता है किसी ने हिंदी के लिए PN पांडे पढ़ी, हो सकता है किसी ने केवल घटनाचक्र का जो पूर्वावलोकन जो एक आता है कंपाइलेशन हिंदी का PYQ का, केवल उसको पढ़ाओ। किसी इंसान ने हो सकता है हरदेव भारी वासुदेव नंदन किया हो, किसी इंसान ने हो सकता है कि MA किया हो, BEd किया हो, MA उसने हिंदी में कर रखा हो, उसकी हिंदी में वो बहुत व्यक्ति पारंगत हो, तो उसने हो सकता है कि और कोई तीसरी किताब पढ़ी हो, उसने किसी कोचिंग में जो नोट्स थे उन्हीं से पढ़ के केवल कर लिया हो। तो जितने मुंह होंगी उतनी बातें होंगी, मतलब समझो इसमें कुछ गलत नहीं है। इट्स जस्ट कि अगर 25 लोग हैं तो 25 लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो सेम नहीं हो सकती ना। तो वो सब लोग बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने अपनी चीज़ को रियल वे में बताते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। इसके अलावा जिस भी व्यक्ति ने 3-4-5 बार प्रीलिम्स क्लियर कर रखा है, जब जब एग्जाम हुआ उसने क्लियर किया, और उसके हर बार का 58 नंबर आए, 57 नंबर आए, तो देखा जाए तो वो भी कायदे में आपको ये बताने की स्थिति में है कि यार हिंदी में 55 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकते हैं, तो वो भी आपको शेयर कर रहा है। उसके अलावा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनका काम ही यही है कि वो आपको एक्चुअल में ये चीज़ सिखा रहे हैं कि कैसे 55 प्लस लाए जाएँ, क्योंकि उनके पूरे दिन का काम वही है, तो उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D है वो इतनी ज़्यादा है हिंदी पर कि वो भी आपको ट्रेस करके बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में ये करना है, ये नहीं करना है। तो हिंदी इसलिए टफ हो जाती है, आप बात को समझो। अच्छा आपको तो अपने दिल से बताओ, अपने रियल में अपने अंदर से ये झांक के बताओ, क्या आपने आज तक हिंदी को तैयार करने के लिए 5-6 वीडियो 8 वीडियो 10 वीडियो हिंदी के नहीं देखे हैं? देखे हैं ना। तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अभी भी वो बेस्ट चीज़ क्या होगी, वो परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होगी जिससे मेरे 55 प्लस आ जाएं। क्योंकि जो भी चीज़ आप अभी तक कर रहे थे या जो आपने की है उस पर आपको उतना दृढ़ विश्वास नहीं है।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति को ये पता चल गया कि सही तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका क्या है, उसके लिए 55+ बहुत आसान है, वो कम समय में 55+ ले आएगा। और जिस व्यक्ति को इस चीज़ को लेकर के भ्रम है, संदेह है, डाउट है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना रहता है, उसके लिए हिंदी बहुत टफ है, उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको भटकाव बहुत है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से क्लियर कर लीजिए कि अगर 30 लोग शेयर कर रहे हैं अपनी हिंदी की स्ट्रेटजी, तो आपको उससे भटकना नहीं है। अगर किसी इंसान ने हरदेव भारी वासुदेव नंदन को पढ़ा है, और किसी इंसान ने अगर घटना चक्र और उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ एस कुमार सर की जो घटना चक्र की बुक है उसको पढ़ लिया, तो कुछ ऐसा नहीं है कि उस वाले का हो गया तो इनका कैसे हो गया, इन्होंने कोई सीक्रेट चीज की होगी, नहीं नहीं, उनको सही तरीका मालूम था और वो उन्होंने भी इंप्लीमेंट किया, उन्होंने भी एग्जीक्यूट किया, दोनों ने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया तो दोनों का हो गया। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब मैं आपको कुछ दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको ध्यान से सुनिएगा और उसमें नोट कर लीजिएगा अगर आप कर सके। पहली चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि लोगों ने आपको बता दिया कि ये जैसे हरदेव भारी की किताब है इसको पढ़ लीजिए, साथ में ये जो वासुदेव नंदन की है इनको पढ़ लीजिए, ये प्रमाणिक सोर्सेज हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, आयोग इन्हीं से क्वेश्चन उठाता है। कोई आपको बताएगा कि ये जो डिकोड की बुक है इसको कर लीजिए, इसमें से 55+ की गारंटी होती है, और इसके साथ में जो ये घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है इसको आप कर लीजिए। कोई आपको कहेगा ये जो एस कुमार सर की घटना चक्र की बुक है वो कर लीजिए, साथ में ये जो आपको मेंस का एक मिलता है इसमें भी कुछ कुछ टॉपिक आपको अच्छे मिल जाते हैं किरण वाला, इससे कर लीजिए। और भी मार्केट में बहुत सी बुक्स आती हैं, इसके अलावा जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सबका अपना हिंदी का नोट्स है, और हर कोई अपने नोट्स को बेस्ट ही कहता है, कोई अपने नोट्स को भी तो कहेगा नहीं कि बेस्ट नहीं है, यूपी का बेस्ट, इंडिया का बेस्ट, हिंदी का बेस्ट, हिंदी में 55+, 60+, 58+, हर कोई क्लेम करेगा, गारंटी देगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो काम है उनका, तो वो तो अपनी चीज को अच्छा बताएंगे। अब एक्चुअल में क्या आपको कोई ये बताता है कि भाई ये जो किताब अगर बताई गई है कि ये दोनों किताबें पढ़नी है, अब इन दोनों को कैसे ट्रेस करना है, इन दोनों किताबों को कैसे गिराना है, क्या आपको डिटेल में मेथड कोई बताता है इंसान कि हाँ एक्चुअल में ये चीज़ वर्क कर रही है? क्योंकि होता क्या है कि आपको किसी इंसान ने ये दो सोर्स बता दिए, अब आपने जब इनको पढ़ना शुरू किया तो ये इतनी मोटी किताब है, इसमें जब आप टॉपिक देखोगे, मतलब जो 6 टॉपिक जो दिए भी जाते हैं सिलेबस में हैं भी आर ओ के, जब वो टॉपिक को आप पढ़ने बैठते हो तो आप देखते हो कि यार वाक्यांश के लिए एक शब्द ही खत्म नहीं हो रहे, वही कम से कम 500-600 दिए गए। आप पर्यायवाची पढ़ने बैठते हो, आपने पृथ्वी का पर्यायवाची उठाया, आपने नदी का पर्यायवाची उठाया, आपने गंगा का पर्यायवाची उठाया, आपने शिव जी का पर्यायवाची उठाया, आपने विष्णु जी का पर्यायवाची उठाया, आपने किसी कपड़े का पर्यायवाची उठाया, आपने शार्दूल का उठाया, सिंह का उठाया, आपने अश्व का उठाया, भ्रमर का उठाया, आपने देखा एक ही शब्द के 15-15, 20-20, 30-30, even 40 पर्यायवाची तक दिए हुए हैं। बस आपका दिमाग खराब, आपने कहा अब तो हमसे हो नहीं पाएगा, हिंदी तो बहुत टफ है। फिर आपने शॉर्टकट तरीका सोचा, आपने सोचा यार ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें कम मेहनत में हम नंबर ले आएं, बिकॉज ऑब्वियसली अगर कहीं पर 4 घंटे में पहुंचा जा सकता होगा, कहीं पर 24 घंटे में पहुंचा सकता होगा, तो आप 4 घंटे में पहुंचना चाहोगे ना, दिस इज वेरी ऑब्वियस, बहुत कॉमन सी बात है। तो हर इंसान फिर उस तरीके को छोड़ के सोचता है अब हम ऐसा क्या सोर्स फॉलो करें जिससे हमारे 55+ आ जाएं। तो आपको ये समझना है, जो भी इंसान आपको ये चीज़ बताता है कि ये बुक फॉलो कर लो, ये बुक फॉलो कर लो, वो एक्चुअल में आपको ये नहीं बताता है कि उसके अंदर जो 600 वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हैं, या जो आपको एक एक शब्द के 25-25 पर्यायवाची दे दिए गए, उनको कैसे तैयार किया जाए। तो अब उन दो चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो मेरे पास है और वो मैं आपको शेयर करूँगा, इसको आप इंप्लीमेंट करके देख लेना, 2 वीक आप इसको इंप्लीमेंट करो धीरे धीरे अपने हिसाब से, और आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो मुझे बता देना। पहली चीज़ क्या है कि एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके गलत करने की संभावना ज़्यादा होगी। क्या बोला मैंने? एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपके क्वेश्चन को गलत करने की संभावना ज़्यादा होगी। मतलब कि आपको क्या करना है कि एग्ज़ामिनर का माइंडसेट पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ामिनर होते, आप अपने बच्चों को, आप कैंडिडेट्स को कौन सा ऐसा क्वेश्चन देते जिसमें गलती करने की संभावना ज़्यादा होती? समझ में आया मैंने क्या कहा? यानी कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो 4 ऑप्शंस बने हैं, तो वो ऑप्शंस को इतना क्लोज दे देगा कि बच्चे के दिमाग में ये डाउट आए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ इस चीज़ के थ्रू उसने क्या चीज़ चेक कर ली आपकी कि आप रिविज़न कितना करते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कल आपको वीडियो में क्या बताया था कि आपको जो पढ़ना है उसको रिवाइज करना है, हिंदी में केस में रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है और नोट्स बनाने हैं ताकि आपकी मसल मेमोरी में रहे, ये मैंने बताया था ना। अगर नहीं देखा है वो वीडियो तो जाकर देख लेना, जो लोग नए हैं वो देख लेंगे और जो पुराने हैं उनको मालूम है। तो आपको जब जैसे आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो तत्सम तद्भव का है, चाहे विशेषण विशेष का है, चाहे विलोम का है, चाहे पर्यायवाची का है, चाहे वाक्य वर्तनी शुद्धि है, वो क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो आपको बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा कि इसका ये आंसर है। ये बात समझो, क्योंकि उन्हें 60 ही क्वेश्चन बनाने हैं, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बहुत इजी देंगे जिसमें कोई डाउट नहीं होगा, आप देखोगे तुरंत मार के आगे बढ़ जाओगे, टिक लगाओगे, आपको नंबर मिल गया, एक नंबर आपका हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब ऐसे बनेंगे बिकॉज उनके पास और कोई तरीका नहीं है, 6 ही टॉपिक है, उन्हीं से 10 क्वेश्चन आने हैं, तो वो ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बना सकते, ज़्यादा उनके पास कोई ये भी ऑप्शन नहीं है कि हम टॉपिक कोई और ले आएँ, संधि ले आएँ, समास ले आएँ या कोई और टॉपिक ले आएँ। तो अब उसमें उन क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो ट्रिकी
बना देते हैं, और उसमें वो ऑप्शंस को इतना क्लोज क्लोज देंगे किसी में हलन आपको लगेगा कि इसमें लगता है, क्योंकि वो शब्द न्यूज़पेपर में, नॉर्मल किताबों में, इधर उधर बोलचाल की भाषा में, जैसे गांधी है या आँख है, अब ये सब शब्द ऐसे हैं जो आप न्यूज़पेपर में, इधर उधर किताबों में 10 जगह सुनते हो, बोलते हो, अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा में आप उसको यूज़ करते हो, देखते हो, आप उससे रूबरू हो, आप उससे फैमिलियर हो। लेकिन अगर वही शब्द की एक्चुअल वर्तनी में आपसे अगर पूछ दिया और आपने उसको 2-3 बार पढ़ लिया और आपको एक्चुअल में आइडिया नहीं है कि रियलिटी में होता क्या है, कैसे लिखते हैं, इसकी वर्तनी क्या है, तो आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे, उसके बाद जब आप ऑप्शन टिक करोगे तो आप गलती मार्क करोगे। तो वो एग्जामिनर का माइंडसेट आपको पढ़ना है। तो जब आप पढ़ाई करो तो आपके सामने जब वाक्यांश के लिए एक शब्द 600 आ गए, जैसे आपने, सपोज मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने ये वाली किताब उठाई, आपने इसमें उठाया, आपने देखा यार इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द 500 दिए गए हैं, 600 दिए गए हैं, 700 दिए गए हैं। अब इतने तैयार करना ईजी नहीं है, आसान नहीं है, कम समय में तो तैयार करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इसमें से ये छांटो कि वो कौन से वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं जो मैं पढ़ूं अगर उसको एग्जाम में गलत करने के चांसेस ज़्यादा होंगे मेरे लिए, वो आपको चुनना है। और वो ये फिल्टर करने में मेहनत लगती है, ऑब्वियसली मैं आपको फिल्टर करके बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ, उस तरीके को समझो। जैसे तत्सम तद्भव है, विलोम शब्द है, अब विलोम शब्द में बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको मालूम है कि यार इसका यही है, वो कोई गलत नहीं करता है, तो वो 1-2-3 वैसे ही आएंगे, 10 क्वेश्चन में से 3-4 विलोम शब्द वही आएंगे। लेकिन जो एक्चुअल में एग्जाम में जिसमें गलती आप करोगे, देखो थोड़ा बहुत भी अगर स्मार्ट बच्चा है ना, थोड़ा बहुत भी, तो वो 45+ तो आराम से ले आता है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन आता है ना, इसको ढंग से पढ़ लोगे तो 45 नंबर ले आओगे। लेकिन अगर आपको 45 से 55 लाने हैं, तो वो जो 10 नंबर होते हैं ना, वो कायदे में फ्री के होते हैं। उसमें थोड़ी सी अगर आपने मेहनत कर ली और आपका अगर गाइडेंस सही है और आपको कोई समझाने वाला एक्चुअल में है, तो आप 10 नंबर की जो लीड लोगे ना, वो आप जीएस में नहीं ले पाओगे, क्योंकि जीएस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है नॉलेज में और बाकी चीज़ों में, वहाँ पर एक लिमिटेड लेवल पर ही चीज़ें होती हैं। लेकिन हिंदी में आप इजिली नंबर ला सकते हो, तो वो जो 10 नंबर का गेम है वो आपको समझना है। तो जब विलोम शब्द पढ़ रहे हो तो उसमें बैठ के ये फिल्टर कर लो मेरे भाई कि इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं कि अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं बच्चों को दूं तो बच्चे गलत कर देंगे। ये चीज़ आपको पकड़नी है, और ये चीज़ आपको सारे टॉपिक्स में पकड़नी है, विलोम में, पर्यायवाची में। पर्यायवाची में जैसे देखो मैं एग्जाम्पल आपको बताता हूं, जैसे पृथ्वी है, अब पृथ्वी का अगर आपसे पर्यायवाची पूछा जाए तो उसमें एक धरती भी होता है, उसमें वसुंधरा भी होता है और विपुला भी होता है, ठीक है। अब अगर धरती आएगा पृथ्वी का, तो एक बात बताओ, अगर आपने नहीं भी पढ़ी है, कोई किताब नहीं पढ़ी, आपने ये भी नहीं पढ़ी है, ये भी नहीं पढ़ी है, कोई किताब आपने नहीं पढ़ी है, तो क्या आप धरती नहीं मार्क सही कर पाओगे पृथ्वी का? कर लोगे ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, धरती माँ, भारत माता, धरती माँ, धरती है हमारी, धरती हमारा स्वर्ग है, धरती में ये है, धरती में वो है, सब चीज़ पढ़ते आ रहे हो ना, तो धरती तो गलत करोगे नहीं। तो जब पर्यायवाची पढ़ रहे हो तो धरती पढ़ने की जरूरत नहीं है पृथ्वी का पर्यायवाची, ना ही उसको नोट्स में लिखने की जरूरत है। ऐसी चीज़ें नहीं नोट्स में लिखी जाती है जो आपके दिमाग में है और आप उसको कभी गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपसे विपुला पूछ दिया जाए, धरित्री पूछ लिया जाए, तो ये सब ऐसे हैं जिसमें आप गलत कर सकते हो, आप ही नहीं, आप जैसे और भी बच्चे गलत कर सकते हैं। तो आपको पकड़ना है एग्जामिनर का माइंडसेट। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके ढंग से समझा दिया है, ये एक मैंने ऐसी चीज़ बताई है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, और ये चीज़ अगर इंप्लीमेंट करना सीख गए तो जो 500-600 वाक्यांश के लिए एक शब्द, या आपको जो 600-600 पर्यायवाची बुक में दिखाई देते हैं, और एक एक के आपको 50-50 पर्यायवाची दिखाई देते हैं, आपका जो 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में रिड्यूस हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरी एक जो प्रो टिप दे रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ये सीक्रेट है लेकिन ये 100% वर्क करता है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। जिसको जो सिंसियर होगा, गंभीर होगा, वो इस चीज़ को समझ के इंप्लीमेंट करेगा, एनालिसिस करेगा एंड उसको रिजल्ट मिल जाएगा। वो ये है कि UPPCS प्रीलिम्स का जो पेपर होता है, उसमें जो दूसरा पेपर होता है CSAT का, CSAT में जो हिंदी के 18 से 20 क्वेश्चन हर साल आते हैं, उनको एक बार उठा लेना। थोड़ा जो जब कभी बोला करूं कि यार प्लीज़ ऐसा करके देख लो, तो करके देख लिया करो। एनालिसिस करवाता हूं, तो एनालिसिस में सबूत के साथ बताता हूं कि भाई ये चीज़ जाके चेक कर लो, तुम्हें मिलेगा, और करोगे तो तुमको अपने पे भरोसा होगा। मेरे भरोसे पे छोड़ दो, मेरे पे तो भरोसा उसी दिन हो जाएगा जिस दिन तुम सामने सबूत देखोगे, लेकिन अपने पे जब भरोसा करोगे ना, तो वो तुमको लंबा ले जाएगा और वो तुमको उस चीज़ को लेकर के कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। तुम मार्केट में जब खड़े होगे ना, तो 10 चीज़ों से भटकोगे नहीं। तुमको कोई झूठा दिलासा देगा, कोई तुमको प्रलोभन देगा, तो तुम उसमें ट्रैप में फंसोगे नहीं। तो UPPCS के CSAT में जो 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हर साल आते हैं, वो 7-8 साल के 10 साल के लगा लेना। 2015 से लेकर के 2023 तक का UPPCS का पेपर है, उनको उठाओ। उसमें जितने पर्यायवाची आए हैं उनको सबसे पहले तैयार कर लो, उसमें जितनी वाक्य वर्तनी शुद्धि आई है उनको तैयार कर लो। तो तुम जो 10 घंटे में काम करते ना, उसके बाद भी तुम्हें रिजल्ट ना मिलता, वो तुम्हें 3 घंटे की मेहनत में मिल जाएगा। इतना असर पड़ता है। अब ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, कोई भी तुम्हें नहीं बताएगा। सब तुमसे ये तो कह देंगे PYQ पढ़ लो। अब PYQ इंसान कितने पढ़ ले, PYQ UPPCS के मेंस के भी कितने साल के पढ़ ले, RO के भी कितने पढ़ ले, RO के मेंस में भी आते हैं, प्री में भी आते हैं, फिर उसके बाद में और भी चीज़ें हैं, तो समझ में नहीं आता है ना कि कौन सा करें। तो मैंने आपको पिन पॉइंट करके बता दिया कि भाई 2015 से लेकर के 2023 तक के पढ़ लो। और एक चीज़ बता रहा हूँ, जो भी UPPSC के अदर एग्जाम्स होते हैं, जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम है, मान लो
उसमें 20-25 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं या और कोई एग्जाम, मान लो PCHJ का एग्जाम है, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, या कोई भी स्टाफ नर्स का मान लो एग्जाम है, अब उसमें अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या APO का एग्जाम मान लो उसमें 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तुमको वो हिंदी का क्वेश्चन देखना है कि भाई ये जो टॉपिक इसमें क्वेश्चन आया है क्या ये हमारे RO में आता है, आता है। पर्यायवाची देख लो कौन सा पूछा गया है, वाक्यवर्तनी देख लो कौन सा पूछा गया है, और एक बार जाकर के RO का जो पेपर है उसको मिला लेना, उसके बाद में मुझे बता देना कि हाँ ऐसा है या ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें कोई तुमको शेयर नहीं करता, बिकॉज ये सब में भाई मेहनत लगती है और इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये सब सीक्रेट्स हैं, इन्हीं से नंबर बनते हैं, और जो स्मार्ट व्यक्ति होता है वो ये पढ़ के चुप से करके निकल जाता है, और आप उसी के साथ में पढ़ते रहोगे, जाते रहोगे, साथ में घूमते रहोगे, आपको ये चीज़ उसने शेयर नहीं की, वो तो 55+ बना के निकल के बैठ गया जाके सचिवालय में, आप केवल यही देखते रहे कि हम सचिवालय में चाय कैसे पियेंगे, हम खाना कैसे खाएंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा। एक लास्ट चीज़ मैं और शेयर कर देता हूँ, ये प्रो टिप है, इसको अगर समझ लोगे तो बहुत काम आसान हो जाएगा। बुक लिस्ट को लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, मैंने उसमें सारी बुक्स के बारे में अच्छा बुरा क्या है क्या नहीं है सब बता रखा था। बहुत से लोग ऐसे हैं जैसे किसी के पास में डिकोड एग्जाम की है, किसी के पास में हरदेव बारी वासुदेव नंदन है, किसी के पास में PN पांडे है, किसी के पास में सिर्फ घटना चक्र है, किसी के पास में ये जो S कुमार सर की किताब है ये है, किसी के पास में किरण है, किसी के पास में कोचिंग अगर ज्वाइन कर रखी है तो जो कोचिंग है उसके नोट्स हैं, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, कोचिंग जो भी मेन है वो आप जानते ही हैं। तो एक्चुअल में कौन सी ऐसी किताब है जिसमें कम समय में पढ़ के 55+ गेन किए जा सकते हैं या लाए जा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास अलग किताब है। तो किसी इंसान के पास अगर हरदेव बारी वसुदेव नंदन है उससे अगर ये कहा जाए कि यार तुम PN पांडे ले लो तो वो देखा जाए तो बेवकूफी होगी, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है। या किसी इंसान के पास अगर PN पांडे और घटना चक्र है और उससे कह दो कि तुम हरदेव बारी वसुदेव नंदन ले लो तो वो कहीं ना कहीं बेवकूफी होगी, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा और वो बच्चा भटक जाता है, क्योंकि उस बच्चे ने एक्चुअल में वो दो सोर्स उसके पास हैं भी वो पढ़े नहीं है। तो वो चीज़ जो एडवाइस दी गई होती है वो तो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वो एक्चुअल में वर्क करती है चीज़ें उसमें से, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बैकफायर कर जाता है, और इसीलिए 55+ हर किसी के आते नहीं है, वरना हर इंसान प्री में बैठा होता पास होके। तो इस बात को आप समझो, सबसे कम समय में 55+ अगर नंबर लाने हैं चुपचाप, एक तो ये घटना चक्र का जो PYQ है इसको ले लेना, ठीक है, इसको ले करके रट जाना, ढंग से पढ़ लेना। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ढंग से पढ़ लेना, उसमें गलत नहीं करना। तो जो क्वेश्चंस रिपीट होंगे, PYQ रिपीट होंगे, जो ऑप्शंस रिपीट होंगे वो सारे आप सही कर ले जाओगे, तो 45 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब जो 45 से 55 नंबर का जो पुल है, जो बैरिकेटिंग है, जो आपको तोड़ के उस पार जाना है कि भाई 10 नंबर मुझे और फेच करने हैं, उसके लिए ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ये किताब ऐसी है कि इसमें हर टॉपिक आपको सही मात्रा में दिया हुआ है, सही नंबर में दिया हुआ है, हर चीज़ आपको ढंग से दी हुई है। उतना बेयर मिनिमम होता है, उतनी मेहनत करनी पड़ती है, उतनी एनर्जी तुमको लगानी पड़ेगी अगर तुमको पहले मंजिल से दूसरे तीसरे चौथे मंजिल पे जाना है। उतनी मेहनत नहीं लगाओगे तो पहले पे लटके रहोगे और दूसरे को देखते जाओगे कि वो देखो एस्केलेटर से चला गया, वो सीढ़ी से चला गया, हम तो यहीं पे पड़े हुए हैं। भाई तुम पड़े रहोगे इसलिए बिकॉज तुम ये नहीं समझ रहे हो कि डिमांड क्या है। तो घटना चक्र का जो PYQ है इसको कर लेना और ये कर लेना, इन दोनों को कर लोगे 55+ आ जाएंगे, बशर्ते कि तुमने उस चीज़ को 5 बार किया हो, रादर देन कि हरदेव बारी भी करेंगे वसुदेव नंदन भी करेंगे लेकिन 2-2 पेज पढ़े उसके बाद में पढ़ा नहीं गया। तो भले ही इनको 2 को करो लेकिन इनको इतना अच्छे से कर लो कि उसमें जो क्वेश्चंस आए वो गलत ना हो। तो आप और जो चीज़ मैंने बताई है पहले कि UPSC के मेंस के जो CSAT UPSC मेंस के जो पेपर हैं या जो CSAT के पेपर हैं उनमें जो चीज़ें आ रही हैं हिंदी की वो लगा लेना, इतना करोगे तुम्हारे 55+ नहीं रुकेंगे। अब अगर मान लो कि आपने ये चीज़ नहीं कर रखी है और जो जिस इंसान ने पहली तैयारी शुरू कर दी थी वो फिर हरदेव बारी वसुदेव नंदन ये दोनों ऑथेंटिक सोर्स है इनको फॉलो करे, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आयोग उठाता है, तो कायदे में आपको ये दोनों सोर्स करने चाहिए थे। जो पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे हैं तो मैंने उसमें पहले भी बताया कि हरदेव बारी वसुदेव नंदन लो और साथ में ये जो घटना चक्र का PYQ आता है इसको लगा लो, 55+ की एक्चुअल में गारंटी होती है, मतलब आपके आ जाते हैं। अगर आपने ये नहीं कर रखा है और आपने शॉर्टकट के चक्कर में रास्ता पकड़ा और आपने कहा कि नहीं हम एक ही बुक लेंगे, 3 बुक क्यों लें, फालतू में 300-400 रुपये खर्च होंगे एंड 3 बुक तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो इंसान क्या करता है कि फिर एक बुक पकड़ता है। अब उसको लग रहा था कि अरे एक बुक है, शॉर्टकट तरीका है, इसी से कर लेंगे, लेकिन सपने देखने में उन सपनों को पूरा करने में जितना डिफरेंस होता है ना उतना ही हरदेव बारी वसुदेव नंदन के कंपैरिजन में इस बुक को तैयार करने का सीन है, क्योंकि इस बुक में सारी किताबों का निचोड़ है। ये बुक बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है कि इस बुक में कोई खामी नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस बुक में सारी चीज़ों का कंपाइलेशन है। तो जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको लग रहा था कि अरे हम तो एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में 55+ ले आएंगे, बट जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग घूम जाता है, क्योंकि आप देखते हो कि अरे इसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें तो एक्चुअल में हरदेव बारी वसुदेव नंदन की जो सारी चीज़ें हैं उनको इसमें सबको जोड़ दिया गया है, तो एक्चुअल में तो ये किताब बहुत बल्कि है। फिर आपसे ये किताब पढ़ी नहीं जाती है, तो फिर आप दूसरे सोर्स की तरफ भागते हो कि क्या कोई ऐसे कोचिंग के नोट्स हों जिसमें उन्होंने फिल्टर करके दे दिया हो या कुछ ऐसा बता दिया हो, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अगर आप देखोगे हिंदी के नोट्स वगैरह तो आपको कोई ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे
मिलेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे, जिसमें एक दो लोगों के हैं ऑब्वियसली, उनको छोड़ करके किसी के ऐसे नोट्स नहीं है जो आपको एक्चुअल में आपकी जो मेहनत 10 घंटे की है उनको 3 घंटे या 4 घंटे में कर दें, तो फिर वही प्रॉब्लम वहीं की वहीं बनी रहती है। एंड आप उसी लूप में, वो जो एक पूरा चक्र है उसमें आप घूमते रहते हो, आपका एग्जाम आ जाता है, जितने आपकी सामर्थ्य होती है उसके अकॉर्डिंग आप पेपर अटैम्प्ट करते हो। जिस इंसान के पास ये किताब है, इसी को ढंग से 3-4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार जितनी बार पढ़ सकते हो इसको पढ़ो, और साथ में अगर हो सके तो बस ये PYQ लगा लेना। तो उससे क्या है कि एक आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने PYQ लगा रखे हैं तो मेरे इतने बेयर मिनिमम क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे, मैं रिपीटेड क्वेश्चंस को गलत नहीं करूंगा या करूंगी। और उसके बाद में इस बुक पर भरोसा कर लो, क्योंकि आपने जब पहले से 3 महीने पहले इसको खरीदा था, इसको 1-2 बार 3 बार पढ़ने की कोशिश की, तो जब आपने तब इस पर भरोसा किया था, तो अब अगर आप कोई दूसरी बुक उठाओगे हरदेव बारी वसुदेव नंदन जैसी, तो आपके पास इतना समय नहीं है कि आप सारी चीज़ों को अब समझ पाओ। आपको बेसिकली अब रट्टा मारना है, क्योंकि आपको GS भी पढ़नी है, ये फैक्ट है, इसको एक्सेप्ट कर लो, बुरा मत मानो, शर्म मत करो कि रटना है मुझे। तो अरे भाई, तुम्हारे लिए समझने का समय गया, तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। समझने का समय उसके लिए था जो साल भर से दिल साल से तैयारी कर रहा था, या किसी ने MA कर रखा है हिंदी में, तो वो पर्यायवाची, एक एक पर्यायवाची, एक एक विलोम शब्द में, एक एक वाक्य वर्तनी शुद्धि में आधे घंटे उस टॉपिक पर ध्यान देगा, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके पास समय देने के लिए है, उसका उसमें रुझान है, उसमें उसकी रुचि है, और उसको वो चीज़ उसके प्रति उसका डेडिकेशन है, समर्पण है, तो वो चीज़ वो कर रहा है। लेकिन आपके पास जब GS ही आपकी तैयार नहीं है, तो आप हिंदी में कितना समय दे पाओगे? GS में आप बिल्कुल 0 हो, आप उसमें 50 नंबर नहीं ला पा रहे हो, 60 नंबर नहीं ला पा रहे हो, कॉन्फिडेंस आपके पास है नहीं, PYQ को आप समझते नहीं हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सोर्स मेरे पास है उसी को मैं 4-5 बार 6 बार कर लूँ। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे एक यूनिवर्सल पब्लिकेशन की राजपाल सर की बुक आती है, वो आप देखोगे मिल जाएगी, यूनिवर्सल राजपाल करके आप बोलोगे शॉप पे तो आपको मिल जाएगी, वो किताब बहुत अच्छी है। जिस व्यक्ति के पास वो है वो कर ले 4-5 बार पढ़ ले उसको, जिस व्यक्ति के पास PN पांडे सर की किताब है वो पढ़ ले 4-5 बार, जो जिसके पास किताब है उसको 4-5 बार पढ़ोगे तो तुमको वो सीखने को मिलेगा जो तुम्हें इन 10 सोर्स से, इस गठरी से नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ये सार है, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करके मैंने पूरा बता के निचोड़ के रख दिया है। इसको एक बार देखो, 2 बार देखो, इससे आपको चीज़ें समझ में जरूर आ जाएंगी। और उसके बाद में एनालिसिस करना, एनालिसिस का मतलब अगर आपको डाउट हो तो एनालाइज करना चीज़ों को, जो भी आपको यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि उन्होंने PN पांडे बताई थी, उन्होंने हरदेव भारी बताया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र पढ़ लो, फिर किसी ने कहा डिकोड एग्जाम पढ़ लो, फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं कुछ मत करो, केवल SMR सर की किताब पढ़ लो, तो ये सब जो चीज़ें हैं इसका अंत में सॉल्यूशन क्या है वो आपको निकालना है। वीडियो के थ्रू आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। 2 सीक्रेट मैंने बता दिए हैं, उनको अगर इंप्लीमेंट करोगे तो 55+ कंफर्टेबली आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ट्राई एंड टेस्टेड चीज़ है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, थैंक यू।